यहां पर लाया क्या? ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या है? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी, 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू कहा शुरू करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इसे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया,
घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? कबाला बापू मैं, कबाला बापू मैं। ले जाओ इस हराम जाने को, मत कर तो इसे, मत कर तो इस हराम जाने को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हराम जाने को। इसी दिन से डरता था। जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे नहीं मरे। बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, चलो बच्चों यहाँ से बच्चों जल्दी संभाल के चलो बच्चों, चलो माजी चलो निकलो यहाँ से, चलो। तो हो देवा, तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा।
आकाश, मैंने तुझे वहां पर रुकने के लिए कहा था ना इंदर, मैं वहां तेरा इंतजार कर रहा था। अगर मैं कुछ देर और वहां रुक जाता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। कौन लोग तेरी जान ले लेते? वही लोग इंदर, जो देवा को मारने की बात कर रहे थे। इंदर तू कुछ कर यार, वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तू वो बिल्डिंग जानता है? लेकिन इंदर तू अकेला। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। चल मेरे साथ। और ऊपर? हाँ। मेरे साथ। यहाँ इंदर? नो वरी। संभाल के। इधर? इस तरफ। यहां तो कोई भी नहीं है आकाश। आकाश, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नर, यहीं पे उन लोगों की मीटिंग चल रही थी और वो जिंदाल साहब कह रहे थे कि हम लोग सीएम को मारकर देवा को फंसा देंगे। हम अभी यहीं हैं आकाश बाबू। इधर, यही है वो जिंदाल, यही है। अगर हमें ये पेन कैप ना मिला होता तो हमें पता भी ना चलता कि हमारी बातें कौन सुन रहा था। इंदर, ये तो ऐसा ही हाथ था मेरे भाई का, जिसे तेरे भाई देवा ने उखाड़ दिया था। इंदर, ये तू क्या कह रहे हैं? हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंदर सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। देव